दिस साइड पटना लाइट, और आज हमारे साथ एक एस्पायरेंट जुड़े हैं जो भी तुरंत इंटरव्यू देकर बाहर आए हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं, कैसा इंटरव्यू का फीडबैक रहा, किस तरह का बोर्ड मेंबर था, क्या सवाल पूछे गए आज। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रेम प्रफुल्ल है। कैसा रहा सर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अच्छा रहा। कितने देर का चला सर आपका इंटरव्यू? करीब करीब 10-12 मिनट का। 10-12 जी। अच्छा चला। सबसे पहला सवाल क्या रहा बोर्ड मेंबर से? सर ने पहले पूछा कि आपने 2012 में ग्रेजुएशन किया है, तो मैंने बोला जी सर। फिर वो पूछा कि क्या चीज़ में ग्रेजुएशन किया है। सर को ये पता था कि 2012 में किया है। अच्छा, उनके पास तो रहता ही इन्फॉर्मेशन। ओके सर, उसके बाद क्या, कैसे डेवलप हुई इंटरव्यू, फिर उसके बाद क्या सवाल था? फिर उन्होंने और सब्जेक्ट्स पूछ लिए, ऑप्शनल किया है, फिर पोस्ट प्रिफरेंस किया है, और उसी के इर्द गिर्द पूरा इंटरव्यू रहा। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपका क्या था? बायोटेक्नोलॉजी। ऑप्शनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से क्या सवाल उन्होंने किया? ज़्यादातर सवाल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से ही थे, तो बायोटेक्नोलॉजी से उन्होंने काफ़ी पूछे, जैसे वैक्सीन वगैरह के बारे में पूछा, एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछा, और जो करेंट यूज है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में उसके बारे में पूछ रहे थे। और आपके ऑप्शनल सोशियोलॉजी से? सोशियोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चन थे, जैसे एक तो सर ने पूछा कि क्लास, कास्ट और क्लास में क्या डिफरेंस है, और एक दूसरे सर ने पूछा कि जो टेक्नोलॉजी है उसने सोसाइटी को किस तरीके से प्रभावित किया है। सर जब आप आंसर कर रहे थे तो हाउ इज द एक्सप्रेशन, जैसे नॉर्मली बात करते हैं उसी ढंग से कर रहे थे। उसी ढंग से। अच्छा, आपके बोर्ड मेंबर में मेल फीमेल का क्या रेशियो रहा? सभी के सभी मेल मेंबर थे, 4-4। तो बिहार पर्सपेक्टिव से उन्होंने कुछ सवाल पूछा कि नहीं? बिहार पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं पूछा। कुछ नहीं। आपके चॉइस प्रेफरेंस से? कुछ नहीं पूछा, बस पूछा था शुरुआत में कि प्रेफरेंस क्या है, उसके बाद नहीं पूछा। और जॉब के बारे में पूछा? जॉब के बारे में। आप किस चीज में अभी जॉब कर रहे हैं? मैं अभी इनडायरेक्ट टैक्स में इंस्पेक्टर हूँ मैं। अच्छा, जॉब रिलेटेड क्या सवाल रहे? बस वो पूछ रहे थे करंट में कहाँ पे पोस्टेड हैं। अच्छा, बस यही सवाल। जो अभी हमने करंट इवेंट से कुछ सवाल? करंट इवेंट्स में उन्होंने खुद बोला कि आप क्या आपने पढ़ा है। अच्छा, अच्छा। वो इजराइल और हमास के अलावा। अच्छा। तो मैंने बोला कि सर G20 पढ़ा है अच्छे से, तो फिर उसके बारे में सर पूछ रहे थे। उसके बाद कुछ नहीं पूछा? उसके बाद कुछ नहीं। बिहार पर्सपेक्टिव से लाइक जातीय जनगणना चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा, ये सब वो नहीं कुछ पूछा? एडमिनिस्ट्रेशन सवाल, क्योंकि ये बिहार एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब है, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे थे स्पेसिफिक। वो G20 में ही सारा निकल गया। सारा G20 में काफ़ी डिटेल में पूछ रहे थे। काफ़ी इंगेजिंग रहा होगा इंटरव्यू आपका तो? हाँ, मतलब 12 मिनट कैसे निकल गया पता नहीं चला, तो टाइम था अच्छे से निकल गया। मैंने एक तो और सॉरी भी बोला। जब सॉरी बोलते हैं तो कैसा एक्सप्रेशन रहता है उनका भाव, मतलब लगता है कि नहीं यार आंसर करता है इसका? अब वो बोलते हैं कि ट्राई कर लो, लेकिन अपने को वो पता रहता है कि गलती हो सकती है, तो वो या तो गेस करना होता है तो गेस कर लेते हैं आगे लेकर के, बाकी तो मना ही, जब श्योर नहीं होते हैं तो सीधे बोलते हैं सॉरी सर पता नहीं। कुछ प्रोवोकिंग क्वेश्चंस? नहीं ऐसा कुछ नहीं। काफ़ी बढ़िया कॉर्डियल माहौल था, तो बिल्कुल शुरुआती ही मेरा इंटरव्यू था तो काफ़ी बढ़िया माहौल था। अच्छा। सर लोग भी बहुत हंस हंस के मतलब बात कर रहे थे। कोई ऐसा आपका कौन सा अपीयरेंस था ये इंटरव्यू में सर? ये मेरा दूसरा चांस है। हाँ जी। यू कैन, आप ना सर थोड़ा गाइड कर सकते हैं अपकमिंग कैंडिडेट के लिए, थोड़ा जो फ्यूचर कैंडिडेट होंगे न्यूली जो तैयारी करेंगे या फिर बनना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहेंगे, उनके लिए आप क्या गाइड करेंगे, कैसे पढ़ाई करें वो? अभी तो जैसे PT जैसा पैटर्न कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि UPSC का ही तैयारी करना चाहिए। ध्यान UPSC पे रखिए तो BPSC पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पैटर्न सिर्फ UPSC को ही फॉलो कीजिए, NCERT किताब पढ़िए, और शुरू से मेंस का ही तैयारी कीजिए। PT का तैयारी बस जब एग्ज़ाम आ जाए तो 2 महीने बहुत हो गए, कोचिंग्स के नोट्स जो है ना, टेस्ट सीरीज के लेकर के वो मार लीजिए, हो जाएगा PT। और फिर मेंस का तैयारी, फोकस मेंस पे ही कीजिए, लिखते रहिए शुरू से आंसर। करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह कैसे बनाएं? वैसे तो बहुत सारे कोचिंग जो है वो कंपाइलेशन मंथ वाइज देते हैं, लेकिन अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उससे अच्छा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। करंट अफेयर्स का सर इतना वेटेज बढ़ गया इन दिनों, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कोई भी। आपका क्या सर चॉइस रहता था? देखिए, हम तो मतलब जॉब में है तो बहुत टाइम नहीं होता है पढ़ने के लिए, तो हम तो कोई ना कोई मटेरियल ही पढ़ लिया करते थे, लेकिन कभी भी टाइम मिलता था तो न्यूज़ ज़रूर पढ़ते थे। इंटरव्यू के बेसिस पे आने वाले इंटरव्यू एस्पायरेंट के लिए क्या फीडबैक रहेगा? जितना डर रहे हैं ना, कुछ वैसा होना नहीं है, 10 मिनट का सब खेल है, तो बिल्कुल डरिए नहीं, नॉर्मल से आके जैसे अपने टीचर से या सीनियर से बात करते हैं वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हंसते खेलते निकल जाएगा। थैंक यू सर, आपसे अच्छा लगा बात करके, एंड आई विश कि आपका PDF लिस्ट में नाम आए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू।